राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के साहिबगंज जिला मुख्यालय पुलिस लाइन मैदान में डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को आवंटित बूथों के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा साहिबगंज जिले के 9 प्रखंडों में से गोंडा जिले के कुछ आंशिक क्षेत्र में बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों में मतदान कर्मियों और लोगों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली, जल और पंखे की व्यवस्था की गई है। जिले में पहली बार भ्रमणशील मेडिकल टीम को सभी बूथों पर लगाया गया है। स्वास्थ्य टीम और मेडिकल कर्मचारियों को जीवन रक्षक दवाइयों के साथ भेजा गया है, तो वहीं पोलिंग पार्टियों ने कहा है कि अब की बार सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। सबको साथ में लेके चलना है, हम लोग पूरे अच्छा से सारा चीज का प्रबंधन करके रखा गया है। सरकार की तरफ से आना है, भीड़ मात्रा में आप वोटिंग करना है और इस पर्व को सफल बनाना है। ठीक, मगर इस बार जो व्यवस्था है, इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का, जो भी है सब मैंने टेबल में आ गया, किसी प्रकार का मैंने कोई लाइन वगैरह लगना नहीं पड़ा, सब जो व्यवस्था है सब मैंने टेबल में आ गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मतदान कर्मियों को? मतदान कर्मियों को यही करेंगे, वोटर को यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मैंने आए और मैंने वोटर अपना मतदान कर्मी अपना मतदान मैंने ये करे, वोटर आए और वोटर करे अपना। अच्छी तैयारी है, लेकिन एक चीज का कमी हमको दिखाई पड़ रहा है, जैसे महिला कर्मचारी है उन लोगों के लिए थोड़ा बाथरूम वगैरह का व्यवस्था नहीं हो पाया, मतलब टेम्पररी ही हो, लेकिन होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि महिला कर्मचारी है, इसमें बड़ा बुजुर्ग सब आती है। अन्य तैयारियों से और अन्य तैयारी तो बहुत अच्छा लगा, हर बार से अच्छा लगा इस बार। वोटरों को और मतदान कर्मियों को आप क्या बहुत अच्छा, हमको वोटरों को ये संदेश देना चाहिए कि होना चाहिए, मतदान कर्मी भी अपने मतलब कार्य का निर्वाह करते हुए अच्छे ढंग से। किस विधानसभा में आपकी ड्यूटी पड़ी है? मेरा तो बोरियो विधानसभा है। हाँ, सुरोसी है और अच्छा भी लगा, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को, महिला लोग को बहुत अच्छा व्यवस्था दिया गया, और मतदाता से यही आग्रह करेंगे पहले मतदान फिर जलपान। आज मौसम के बारे में क्या? मौसम तो बहुत सुहाना क्या है, इससे तो मतदान इस बार अधिक होने की संभावना है, इस बार तो अधिक होगा। जिला में राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आता है, मतदान होना है, इसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। सभी बूथ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, 974 टोटल बूथ्स हैं, जिसमें लगभग 687 संवेदनशील कैटेगरी के हैं, उसमें CAPF का डिप्लॉयमेंट हो गया है। बाकी बूथ पर स्टेट आर्म पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है, पुलिस अफसर्स हैं, और क्षेत्र में लगातार गश्ती करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए और किसी भी आकस्मिक स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए अराउंड 31 QRTs फॉर्म किए गए हैं, जो थाना प्रभारी सीनियर ऑफिसर्स के कंट्रोल में एक्टिव हैं, इनके पास राइड कंट्रोल इक्विपमेंट है। अनुमंडल स्तर पर भी राइड कंट्रोल टीम फॉर्म की गई हैं, जो कि स्टेशन रहेंगी किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें डिप्लॉयमेंट किया है, सभी ऑफिसर्स सक्रिय हैं, फील्ड में हैं और एक्टिव हैं चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए।